नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। भूल भुलैया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मूवी थी, अक्षय कुमार की, विद्या बालन की, उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की थी इस मूवी में। उसका स्टोरी लाइनअप या फिर जो उसमें जो ट्विस्ट थे उसके वजह से वो बहुत ही पसंद आए थे लोगों को। बट वो भी एक रीमेक था, रीमेक होने के बाद भी वो सक्सेसफुल रही क्योंकि उसका जो पहला वाला वर्जन है वो बहुत लोगों ने देखा नहीं था, तो स्टोरी किसी को पता नहीं थी। इसके वजह से जिन्होंने भी देखा, जिनको स्टोरी पता नहीं थी, उनको वो बहुत अच्छी लगी थी। अभी बुलबुलिया 2 में जैसे कि ट्रेलर में दिखाया है हमें, तो स्टोरी सेम ही दिखाई दे रही है। बट अगर वही सेम स्टोरी रहेगी तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आने वाला। बट अगर वो भी सेम स्टोरी पूरा नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगता है इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट होंगे। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि कियारा आडवाणी ही भूत होगी असली में, जो कि नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस। तो फिर मज़ा क्या मूवी देखने का, क्यों? हमें पता चल गया कि वही भूत है, फिर बाद में वही पता चलेगा कि ये भूत नहीं है, कोई वही स्टोरी है जो कि उनको समझ में आ गई थी और उन पे उसका इम्पैक्ट हो गया, जैसे कि पिछले इसमें विद्या बालन के साथ हुआ था। तो अगर सेम ही दिखाना है तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? वो बेस्ट है कि हम लोग अक्षय कुमार और विद्या बालन का ही परफॉर्मेंस देखें, ना कि इनका। तो मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ तो ट्विस्ट होगा। और सेकंड थिंग, उसमें जो एक लास्ट में थोड़ा सा देखिए पैटर्न दिखाया, जब लास्ट में थोड़ा सा एक सीन दिखाया जिसमें कार्तिक आर्यन एक बंदे पे हाथ लगाते हैं और वो बंदा टर्न होता है तो वो कार्तिक आर्यन नहीं होता है, तो एक वो एक अलग ट्विस्ट है इस मूवी में। तो मुझे लगता है ये सिमिलर स्टोरी नहीं होगी, थोड़ी सी उन्होंने चेंज की होगी तो देखने में मज़ा आएगा। और सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि इसमें अक्षय कुमार का कैमियो होना चाहिए। जब जैसे कि हम लोग ने ट्रेलर देखा, इसमें 2 पार्ट है। जैसे कि फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलता है कि लाइक कार्तिक आर्यन जो है वो की मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब जैसे कि उनको भूत देख रहे हैं, उनको भूतों को वो देख पाते हैं। बट लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे भूत है, क्योंकि उनको वो खुद ही उस दरवाजे को खोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा भूत वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए वो खोल देते हैं। बट उसके बाद में इम्पैक्ट होता है, उसके बाद में मंजुलिका बाहर आती है और उनको सच में पता चलता होगा कि अरे मंजुलिका यहाँ पे है। और जो कि जैसे ट्रेलर में दिखाया गया, वो किसी से पूछते हैं कि ये है कौन मंजुलिका, तो मे भी उनको तब कहानी पता चलती है। तो मे भी वो उस मंजुलिका की कहानी जानने के बाद में वो मिलते होंगे अक्षय कुमार से, और जो कि उसका जो भी बैकग्राउंड है वो जानते होंगे, और उसके वजह और उसके बाद में वो स्ट्रेटजी बना देंगे कि उस मंजुलिका को कैसे रोकना है, और उस वैसे मूवी आगे बढ़ेगी। तो ये मेरा ओपिनियन है कि इस तरह की मूवी होनी चाहिए तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर प्रीवियस जैसी ही होगी तो वो 2 नहीं कहलाएगी, वो तो भुलैया ही कहलाएगी, और वो तो इस ऐसे उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक्टिंग अक्षय कुमार और विद्या बालन ने की है तो मुझे बेहतरीन एक्टिंग थी। देखते हैं अभी क्या होता है। अगर स्टोरी में दम होगा तो ज़रूर चलेगी, अगर सेम स्टोरी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना कर पाएगी। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ माई ओपिनियन, सो हर एक का अलग अलग ओपिनियन रहेगा। देखते हैं 20 मई को जब ये मूवी रिलीज़ होगी, तब तक के लिए बाय बाय।